प्रयागराज, भारतीय खाद्य निगम नैनी के द्वारा आज दिनांक 28 अगस्त 2023 को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बजरंगलाल अग्रवाल मंडल प्रबंधक प्रयागराज व सप्तऋषि मंडल सहायक महाप्रबंधक श्री बीमा चंद गौतम आरएमओ, विपिन कुमार डीएफएमओ, श्याम सुंदर सिंह कारगिल योद्धा वरिष्ठ समाज सेवी जी के साथ भारतीय खाद्य निगम के डीपो प्रबंधक एवं अन्य समस्त अधिकारी कर्मचारी, सुरक्षा सैनिक बल, पत्रकार साथी इत्यादि अतिथि उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के दौरान समस्त मीडिया पत्रकार साथियों एवं सभी अतिथि भवों का स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचन पदाधिकारियों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक जी ने किसानों के हितों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। वही डिपो और गोदामों में रख रखा हुआ बोरियों को गोदामों में निरीक्षण करवाया। साथ ही मानक व गुणवत्ता एवं चेतावनी भरी व पारदर्शिता चेकिंग करने एवं ऑनलाइन सिस्टम के बारे में भी अवगत करवाया। साथ ही संपूर्ण स्टाफ के साथ माल लोडिंग सीसी कैमरे द्वारा चेकिंग और वजन की सारी जानकारियां भी दिया। 2021 से 2022 में 9.47 लाख कृषकों से 65-53 लाख मैट्रिक टन धान क्रय हुआ, जिसमें 12,541.57 करोड़ का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खाते में भुगतान किया गया। मंडल प्रयागराज के अधीन पड़ने वाली 4 राजस्व जनपदों में से कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में 2022/2023 के दौरान 104,117 कृषकों से रिकॉर्ड 5.23 लाख मीट्रिक टन का रुपए 10.67.52 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा बैंक खाते में किया गया। वही क्षमता 75,000 MT अतिरिक्त भंडारण गोदाम निर्माणधीन है। 2021 से 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश में 56.41 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जिसमें 12.98 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। कुल रुपए 111,41.22 करोड़ का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया। साथ ही रविवार फसल में 2023 से 2024 के दौरान 6,000 टन की खरीद हुई। वही 1,766 कृषकों को लाभान्वित किया गया। 15,58 करोड़ का भुगतान सीधा खाते में किया गया। वही कार्यालय परिसर में मशीनरी टेस्टिंग MIM AI बेस्ड ऑटोमेटिक ब्रेन एनालाइजर की शुरुआत किया गया। NFSA PM पोषण WBNP इत्यादि तरीकों से गुणवत्ता किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल संप्रदान पूर्व सप्लायर द्वारा सरकार निर्धारित एक ट्रेस टेस्ट लैब का सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। WDRA द्वारा गोदामों की स्थापना मानक के रूप में अपडेट किया जाता है, जहां CCTV युक्त रहता है। वहीं खुदरा विक्रेताओं को प्रतिमाह खाद्यान्न की नीलामी शुरू किया जा रहा है। 2,125 रुपए प्रति कुंतल भारतीय खाद्य निगम ने पारदर्शिता लागू किया है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन तकनीकियों के माध्यम से। DOES डिपार्टमेंट ऑनलाइन सिस्टम BTS GM निविदा खरीद BLTS लागू कर दिया गया है। वहीं मंडल प्रबंधक जी ने कोरोना महामारी के दौरान भी अन्य प्रदेशों से गला मंगवा कर पूर्ति कर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 14.98 करोड़ जनसंख्या को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाकर गौरव हासिल किया है, जिसमें कई राज्यों ने सपोर्ट किया। वहीं नवीन कुमार मेहता प्रबंधक डीपो नैनी प्रयागराज ने सभी का स्वागत करते हुए अभिवादन किया और वृक्षारोपण भी करवाया गया। प्रयागराज से सतीश सोनकर की रिपोर्ट। GPS भले लगा हुआ, लेकिन एक बोरी 50 किलो की भर्ती होती है, 52 kg दिया जाता है आपके यहाँ से, लेकिन कोटेदार पहचान 45 और 44 किलो पाते हैं। ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि हम बोरी के हिसाब से खाद्यान्न नहीं देते, हम उनको 100% वजन करके देते हैं। खाद्यान्न हम 50 किलो प्रति बोरी के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टोरेज मॉइस्चर ड्राइज की वजह से या कोई बोरी मान लीजिए फट गई
प्रक्रिया रिप्लेस करनी पड़ी, उसमें अनाज डाला, कम ज़्यादा बोरी में वजन हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता, हर बोरी 50 नहीं हो सकती, लेकिन हम बोरी के हिसाब से बिल्कुल नहीं लेते हैं, 100% वजन के हिसाब से लेते हैं। अगर 100 क्विंटल में 50 किलो के हिसाब से 200 बोरी होनी चाहिए, आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 210 बोरी में मिल जाएंगे आपको, 215 बोरी में मिल जाएंगे। तो बोरी के हिसाब से वितरण नहीं किया जाता है, 100% वजन के हिसाब से वितरण किया जाता है। अब गेहूँ चावल की एक्सपायरी बता दीजिए, आप यहाँ से खरीद से लेके अंतिम समय तक का एक्सपायरी होगा चावल? ऐसा कोई एक्सपायरी तो निर्धारित उसका कोई डेट नहीं है एक्सपायरी। गुणवत्ता जांच की जाती है, गुणवत्ता के अनुरूप है तो उसका वितरण किया जाता है, ऐसा कोई एक्सपायरी नहीं होती है। मतलब इसके साथ कोई वो नहीं है, एक्सपायरी का कोई मानक नहीं है। अभियान को लेकर के आप यहाँ इस वर्ष जैसा कि और प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है और अपने यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार हर क्वार्टर में बफर स्टॉक का निर्धारण करती है। वर्तमान में बफर निर्धारण से बफर का जो निर्धारण है भारत सरकार का पूरे देश के, उससे अधिक खाद्यान्न